हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेयर एंड डिविडेंड ऑफ क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं शेयर एंड डिविडेंड। शेयर होते क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर क्या होते हैं, कि बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं होगा शेयर होता क्या है। एग्जाम्पल तौर पर मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, ठीक, मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था एजुकेशनल वेयर, जैसे आप लोग जानते हैं। मैंने क्या करा, एक कंपनी स्टार्ट करी एजुकेशनल वेयर। तो पहले तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, जिसमें मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू करते करते काम करने लगा। अब क्या हुआ, मैं चाहता था कि ये ग्लोबली एजुकेशनल वेयर जो मेरा एक इंस्टीट्यूट है वो ग्लोबली ओपन हो जाए। तो मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं मेरे पास कि मैं इतना बड़ा अमाउंट पैसे का लगा करके अपने जो बिज़नेस को वो पूरा एक्सपैंड कर दूं ऑल ओवर इंडिया ही कंट्री के अंदर। तो इतना ज़्यादा तो मेरे पास पैसा है नहीं। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं अपने एक तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है शेयर मार्केट के अंदर, वो जा करके कराने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने एजुकेशनल वेव के नाम से मैं एक शेयर कंपनी, यानी एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद उस कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स बना दूंगा। छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि शेयर एक बहुत बड़ी कंपनी के छोटे छोटे ओनर को मैं ढूंढूंगा। छोटे छोटे ओनर, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये का एक शेयर मैं बेचूंगा। अब मान लिए एक शेयर मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपये का बेच रहा हूँ, तो अगर 10 लोगों ने खरीद लिया तो मेरे पास कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। अगर 100 लोगों ने खरीद लिया तो मेरे पास 10,000 रुपये हो गया। तो इस तरीके से क्या है, बहुत से लोग, क्योंकि 100 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, बहुत ईजिली लोग क्या कर सकते हो, शेयर को खरीद सकते हो। कोई 5 खरीदेगा, कोई 10 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, हो सकता है कोई 500 खरीद ले शेयर, जिसके ऊपर जैसा भरोसा हो कंपनी पे। जैसे मेरी जो कंपनी है वो पहले कंपनी का पूरा हिस्ट्री और बैकग्राउंड चेक करते हैं। जैसे हिस्ट्री और बैकग्राउंड मेरा देखेंगे कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे चलाया स्टार्टिंग में, तो उन्होंने देखा कि हाँ, जो एजुकेशनल वेव्स है उसने बताया नीचे से शुरू करा, वो धीरे धीरे अपना ग्राफ उठ रहा है, यानी उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, उठ रहा है, वो नीचे नहीं जा रही, वो धीरे धीरे उठ रहा है। तो लोग जब ये देखते हैं कि हाँ, इसको नॉलेज है, ये बिजनेस को क्या करेगा, ऊपर लेकर के जाएगा और हमें भी प्रॉफिट कमा के देगा, हम इसके कंपनी में पैसा हमें लगाना चाहिए। तो जब कंपनी देखते हैं, लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हाँ ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो लोग शेयर खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो शेयर क्या होता है, जब बिकने लगते हैं तो मेरे पास पैसा आने लगता है। मेरे पास जब पैसा आ जाता है तो मैं वो पैसे का क्या करता हूँ, वो मैं पैसे का इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूँ, यानी अपनी ब्रांचेस खोलना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू करता हूँ। और उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है, तो जिसने जितने शेयर खरीदे होंगे उस शेयर के अकॉर्डिंग मैं सबको उनका प्रॉफिट देता रहता हूं। आया बात समझ में, क्यों शेयर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे जियो हो, चाहे कोई कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी के मार्केट में क्या शेयर अवेलेबल है, और वो शेयर इसीलिए अवेलेबल है क्यों, वो इतना अमाउंट ऑफ मनी क्या कर सकते, लगा नहीं सकते कहीं पे, तो वो लोग मार्केट से पैसा उठा करके इन्वेस्ट करके उनको प्रॉफिट देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर एंड डिविडेंड। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, शेयर तो आपको समझ में आ गया, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू किसे कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू किसे कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर मेरे एजुकेशनल वेव्स तो कंपनी चल रही थी, मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मेरा एक शेयर 100 रुपए का, यानी मैं मार्केट में उतरा और मैंने अपने शेयर का जो नॉमिनल, यानी जो कॉस्ट प्राइस है मेरे शेयर की, वो मैंने क्या रखी, 100 रुपए रखी मार्केट में उतरते साथ ही। तो जो कोई आएगा मेरे से खरीदने के लिए, कंपनी मैं हूं तो मेरे से कोई कंपनी से खरीदने आएगा शेयर, तो उसको कितने रुपए का पड़ेगा, एक शेयर 100 रुपए का पड़ेगा, उसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, यानी अमाउंट एट विच कंपनी सेल्स देयर स्टेट, यानी जो बताए कंपनी सेल्स देयर शेयर, यानी ऐसा अमाउंट जिस पे कंपनी अपने शेयर को बेचती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। समझ में आ गया, नॉमिनल वैल्यू किसे कहते हैं, जिस पे कंपनी अपने, या कंपनी डिक्लेयर करती है कि मैं इतने रुपए के शेयर बेचूंगा मार्केट में, वो जो खरीदता है वही हमारा क्या कहलाता है, नॉमिनल वैल्यू कहलाती है, जितने पे बेचा जा रहा है। इसके बाद आता है मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए सिनेरियो को अच्छे समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने एजुकेशनल वेव्स एक कंपनी स्टार्ट करी, जब कंपनी स्टार्ट करी तो लोग आए खरीदने के लिए, तो कुछ लोगों को समझ में आई कंपनी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई, क्योंकि हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे, उनके अलग अलग क्या होंगे, व्यूज होंगे। कुछ लोग कहेंगे हाँ कंपनी अच्छी चल रही है, यानी मैंने क्या करा, 100 रुपए के कंपनी ने शेयर बेच दिए मार्केट में।
कोई आया, पहला कस्टमर आया, उसने क्या करा, 100 शेयर खरीद लिया हमसे। अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे कंपनी मान ली ग्रो करने लगी, तो अब वो क्या करेगा, हमने प्रॉफिट लोगों को देना शुरू करा, अब मेरे पास शेयर बचे नहीं, मैंने मार्केट में मान लिया 100 शेयर निकाले, 100 शेयर बिक गए, कस्टमर ने खरीद लिए, जितने थे सबने खरीद लिया, अब क्या मेरे पास कोई शेयर बचा नहीं है। अब वो क्या करेंगे, जैसे भी कोई पर्सन आकर के हमसे खरीद के लेके गया, तो वो क्या करेगा, किसी तीसरे को अगर वो बेचेगा तो वो कहेगा भाई 100 रुपए का शेयर है, कंपनी हमें अच्छा प्रॉफिट दे रही, मैं बेचूंगा तो 120 रुपए में बेचूंगा। यानी अब वो जो मार्केट, यानी जिस कंपनी से जिसने खरीदा, उसके बाद उसने जो बेचा शेयर वो 100 रुपए का नहीं बेचा, उसने कहा मैं 20 रुपए बढ़ती इस शेयर को बेचूंगा तुम्हारे नाम, तो वो क्या हुआ, 20 रुपए बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। तो मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, अमाउंट एट विच कस्टमर और शेयर होल्डर परचेज द शेयर, यानी जो क्या करते कस्टमर, यानी कंपनी ने तो बेच दिया शेयर, जितने बेचने 100 शेयर थे 100 शेयर बेच दिया, कोई बी बंदा आया, बी ने 100 शेयर खरीद लिया, बी बंदे ने सी बंदे को बेचा, लेकिन वो कहने लगा हमें कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, मैं क्या करूंगा 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में बेचूंगा, उसने कहा ठीक है मैं 120 रुपए में खरीद लूँ, उसने क्या करा 50 शेयर बेच दिए, 50 शेयर नहीं बेचे। अब आइए मान लिए कंपनी घाटे में जा रही थी, मैं इतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था, तो अब वो क्या हुआ, अब मेरे 100 शेयर थे, 100 शेयर किसी ने तो खरीद लिए मेरे पे भरोसा करके, अब क्या हुआ उसके शेयर क्या हो गए, प्रॉफिट मैं दे नहीं पाया जितना मैंने कहा। अब वो क्या करेगा, कस्टमर कोई मिल नहीं रहा है उसको, क्या मार्केट में कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा है कि कोई एजुकेशनल वेव के शेयर खरीदे। अब मान ली कोई सी आया बी के पास, कहने लगा भाई तुम्हारे पास इतने शेयर है हमें, वो कहने लगा भाई हमसे शेयर खरीद लो, 100 शेयर मेरे पास एजुकेशनल वेव्स के पड़े हुए, तो कहेगा एजुकेशनल वेव के यार बिजनेस तो अच्छा चल नहीं रहा, मैं क्या करूंगा शेयर खरीद के, कहने लगा यार रिस्क उठा के देखो, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए तुम्हारा भी, तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है हमें बताएं बेच दो, हम बताएं 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे, तो कहने लगे कितने रुपए में, कहने लगे चलिए ठीक है मैं आपको 80 रुपए में शेयर दे देता हूँ। तो बी ने क्या करा, सी को 80 रुपए का एक शेयर बेचने का वादा किया, और उसने क्या करा 50 शेयर बेच दिए, क्या हुआ उसका घाटा हुआ। तो अब वो क्या हुआ, सी बंदे के पास गया जिसने 80 रुपए का शेयर खरीदा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, अब उसकी 80 रुपए हो गए। अब आया कंपनी ने कहा ना ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना ही मुझे गेन हो रहा है, मैं क्या करता हूँ 100 रुपए का शेयर खरीदा है और 100 ही रुपए का मैं सी को बेच दूंगा, तो उसने क्या करा 100 रुपए में ही बेच दिया, तो वो उसकी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू 100 रुपए हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी क्या करती है, बेचने का वादा करती है कि मैं 100 रुपए का अपना एक शेयर बेचूंगा, वो बेचती है, उसने मान लिया 100 रुपए का शेयर बेच दिया और सबने खरीद लिया, कंपनी स्टार्ट हुई सबने तुरंत खरीद लिया उसकी शेयर। अब क्या हुआ, उस शेयर के अंदर पैसा लगाने के बाद जो सबसे पहले आके खरीद लिया, आगे मार्केट चलने के बाद कोई एजुकेशनल वेव के शेयर खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास शेयर बचे नहीं एजुकेशनल वेव के पास, तो उसने क्या करा, लोगों जिसने खरीद रखा होगा मार्केट के अंदर एजुकेशनल वेव के, वो उससे कॉन्टैक्ट करे, कहेगा भाई अपने कुछ शेयर हमको बेचना चाहोगे, अगर वो कहेगा कि हाँ मैं बेचना चाहूंगा तो उस अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे वो बेचेगा दूसरे बंदे को, तो वो क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू कहलाएगी। आ गया होगा समझ में, मार्केट वैल्यू हो या फिर कैश वैल्यू हो, बात एक ही होती है। अब आते, मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए थे, एक क्या हुआ था महंगे में बिक सकता है जब एक या फिर बराबर में, यानी जितने का खरीदा उतने मार्केट कंपनी से जितने का खरीदा उतने में ही हमने बेच दिया, या फिर वो डिस्काउंट पे बेचेगा, डिस्काउंट का मतलब ये हो गया जितने पे मैंने खरीदा उससे कम में बेचा, तो ये 3 केस होते हैं, प्रीमियम बोल सकते हैं, एट पार या डिस्काउंट बिलो पार। तो प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, मान लिया कंपनी एजुकेशनल वेव्स ने, एक कंपनी थी एजुकेशनल वेव्स ने किसको, एक कंपनी को बेचा 100 रुपए में, और वो क्या करने लगा, बी कंपनी को कितने रुपए में बेच रहा था, 120 रुपए में, यानी बढ़ा करके 20 रुपए बेचा नहीं बेचा, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम, जब बढ़ा करके बेचेगा कस्टमर को कोई प्राइस, तो उसे क्या कहेंगे, प्रीमियम, यानी मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 20 रुपए। अब आते हैं फिर कंपनी एजुकेशनल वेव्स थी, उसने क्या करा 100 रुपए में खरीदा और उसने ना ही प्रॉफिट हो रहा था ना ही गेन हो रहा था, या मान लो किसी वजह से उसने कहा तुरंत मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ मुझे पैसे जरूरत है, उसने क्या करा बेचा बी को, उसने कितने रुपए में बेच दिया, 100 ही रुपए में बेच दिया, इस वक्त ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एट पार, ये क्या कहलाएगा आपका, एट प्रीमियम कहलाएगा या फिर अबव पार कहलाएगा, ठीक है ठीक। इसके बाद आते हैं एक और सिनेरियो ले लेते हैं, ए ने 100 रुपए का खरीदा लेकिन एजुकेशनल वेव्स की कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पा रही थी, उसने कहा भाई मेरा और नुकसान ना हो मैं इसको जल्दी से बेच लेता हूँ, तो उसने क्या करा बी कंपनी को दिए, बी कस्टमर को दिए कितने रुपए में, 80 रुपए में, यानी क्या करा कम में बेच दिया, तो ये क्या हो गया एट डिस्काउंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं बिलो पार, यानी नीचे बेच दिया नॉमिनल वैल्यू से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम क्या होता है, एट पार क्या होता है, डिस्काउंट
क्या होता है, कितने में क्या बेचा। तो अगर हम आपसे कहें प्रीमियम 20% था, प्रीमियम 20% का मतलब क्या, अगर मान लिए नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए की है और प्रीमियम 20% है, तो 100 रुपए में 20% हम निकाल लेंगे ऐसे 20% of 100, तो क्या 20% of 100 कितना आएगा आपको, 20 रुपीज मिलेगा, यानी 100 में आप 20 ऐड कर दो कितना हो गया, 120 रुपीज इसकी वैल्यू हो गई। एट पार पे जितनी नॉमिनल वैल्यू होगी उतना ही आपका क्या होगा, मार्केट वैल्यू होगा, जितनी नॉमिनल वैल्यू उतनी ही आपकी क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू भी कहलाएगी। इसके बाद तीसरा है डिस्काउंट पे, अगर 20% डिस्काउंट के ऊपर बेचा, 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू थी, 20% डिस्काउंट पे कितना हो गया, 20 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी 100 में 20 घटा दिए तो कितना बचेगा, 80 रुपीज का वो एक शेयर बेचेगा मार्केट में। तो भाई आपको यहां तक के समझ में आ गया होगा नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होता है, पूरे अच्छे से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। इसके बाद आते हैं डिविडेंड किसे कहते हैं। डिविडेंड का मतलब ये होता है द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स हिज और हर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। मान लिए कंपनी ने जितने रुपए डिक्लेयर किया है, जैसे एग्जांपल तौर पर मैं एजुकेशनल वेव्स कंपनी को मार्केट में जब उतारा मैंने, तो मैंने कहा कि भाई मेरा 100 रुपए का शेयर हो, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं 10% का आपको हर साल प्रॉफिट कमा के दूंगा, यानी कितने रुपए का, 10% का। तो अगर हम बात करें मैंने कंपनी से जो शेयर खरीदे वो कितने खरीदे, 100 शेयर खरीदे, और कंपनी ने हमें क्या कहा कि भाई आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा, तो 10% का प्रॉफिट 100 रुपए का एक शेयर था और 10% का प्रॉफिट निकाल लिए, तो यही तो होगा। अगर हम कहें, फिर से बात समझिए कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड ये होता है कि कंपनी ने कितने रुपए डिक्लेयर करा है कि वो प्रॉफिट देगी, तो कंपनी हमेशा डिक्लेयर करती है किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे, उसको ये नहीं मालूम कि आपने कितने में बेचा, कंपनी अपना जानती है कि मैं इतने परसेंट आपको प्रॉफिट दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या, जैसे कंपनी ने कहा एक शेयर पे मैं आपको 10% का क्या करूंगा, प्रॉफिट दूंगा एक साल में, तो यानी ये 100 रुपए का मान लिए एजुकेशनल वेव का 100 रुपए का एक था क्या नॉमिनल वैल्यू, यानी कंपनी ने डिक्लेयर करा नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, उस पर 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए कहा, यानी कितने हो गए, 10 ही रुपए तो हुआ। कैसे निकालेंगे, आपको निकाल के भी तरीका दिखा देते, 10/100 × 100 करिया, यानी एक शेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। मान ली किसी कोई आया तो उसने 50 शेयर खरीदे एजुकेशनल वेव के, यानी 50 × 10, यानी उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 50 शेयर के ऊपर 500 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी 500 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो ये इसका क्या कहलाता है, डिविडेंड। डिविडेंड लगाने के टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये बात सोचिएगा, आपको ध्यान ये रखना है डिविडेंड हमेशा अप्लीकेबल होगा नॉमिनल वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, यानी डिविडेंड हमेशा किस पे लगेगा, नॉमिनल वैल्यू पे या फिर फेस वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे कभी भी प्रॉफिट नहीं निकालते, उस पे मार्केट वैल्यू पे जो प्रॉफिट निकलता है उसे कहते हैं हम लोग रेट ऑफ रिटर्न। आइए एक सिनेरियो को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल को देखते हैं। देखिए मान लिया कोई कस्टमर आया 10%, हमने कंपनी एजुकेशनल वेव समझ ली, एजुकेशनल वेव थी, उसने क्या कहा कि 10% का मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, कितने रुपए पे, 100 रुपए के शेयर पे। कोई कस्टमर आया उसने बताया, हमने अभी एजुकेशनल वेव थी, एजुकेशनल वेव्स ने 100 रुपए, एक कस्टमर आया उसको इतने रुपए में सामान बेच दिया, यानी 100 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अब आया कोई बी कस्टमर आया, वो अब कंपनी के पास शेयर नहीं बचे, उसने 100 शेयर थे, 100 शेयर खरीद लिए पूरे के पूरे। बी कंपनी आई, बी कंपनी आने के बाद उसने कितने रुपए में खरीदा, 120 रुपए में खरीदा, यानी वो प्रीमियम पे खरीदा, कितने पे खरीदा, प्रीमियम पे खरीदा। आइए अब देखते हैं उसका पहले प्रॉफिट कंपनी कितना दे रही है और उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा जो बी कस्टमर खरीद रहा है। तो सबसे पहले आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या है। पहले तो आइए डिविडेंड निकालते हैं। तो हमने आपको क्या कहा था, डिविडेंड निकालने का तरीका, कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट कंपनी दे रही, कितने रुपए पे, नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। हमने आपको बताया था डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे लगती है, यानी 10/100 × 100 क्या हो गया, 100, ये 100 से 100 कट गया, यानी 10 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये 10 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर किसी ने खरीद लिए पूरे के पूरे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100, और कितने रुपए का प्रॉफिट एक पे हो रहा है, 10 रुपीज का, तो पूरे पे कितना हो रहा है, 10 100 का मल्टीप्लाई 10 से कर दिए, 1000 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है पूरे 100 शेयर पे, एक ए ने जो खरीदा था। ए ने क्या करा, कोई कस्टमर आया शेयर, वो कहने लगा भाई ये हमको शेयर बेच दो पूरे, उसने कहा ठीक है मैं आपको बेचूंगा 120 रुपए पे, यानी मार्केट वैल्यू क्या हो गई उसकी, 120 रुपए हो गए, ठीक है।
अब आते हैं इसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, यानी जब बी ने खरीदा कस्टमर ने टोटल पूरे शेयर, तो कितने रुपए में, कितने रुपए दिए ए को, तो 120 रुपए का एक शेयर, और उसने कितने शेयर खरीद लिए, पूरे 100 शेयर खरीद लिए, यानी 12000, यानी 12000 रुपए उसने पे कर दिए, किसको कर दिए, ए को कर दिए, आपने सिनेरियो देखा था। अब आते हैं 12000 रुपए ये किसको मिल गए, ए को मिल गया, उसने बेच दिया। अब आते हैं क्या 12000 रुपए यानी 120 रुपए पे तो कंपनी ने वादा किया नहीं था कि 10% का हम प्रॉफिट देंगे, उस कंपनी ने कितने रुपए पे प्रॉफिट कहा था, 100 रुपए पे 10% कहा था। तो अब आते इसने महंगे पे खरीदा, यानी महंगे पे खरीदा तो प्रॉफिट इसका क्या हो गया होगा, थोड़ा कम हो गया होगा। आइए अब निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा, यानी जो बी ने खरीदा है, यानी रेट ऑफ रिटर्न बी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे बी का। पहली बात तो कितने रुपए का उसको पूरा प्रॉफिट हो रहा था, ए कंपनी को 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, और जब कंपनी आई को बी आया उसने कितने में खरीदा, 12000 रुपए पे पूरे शेयर खरीद डाले। अगर हम काटेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई पर 100 करते हैं, 20 से 20, 10 से 10 कट गया, 100/12 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 25, हाँ तो क्या हो गया आपका 25/3, तो लगभग कितना परसेंट हो गया, 81/3% हो गया। तो जो 81/3 यानी लगभग 8.5% से कम का उसको प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि उसने 120 रुपए में खरीदा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यानी बी को एक्चुअली में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 8.5% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने और कितने शेयर खरीदे थे उसने, पूरे 100 शेयर खरीद लिए थे। तो ये होते हैं क्या लगाने का तरीका होता है। अब हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देते हैं इसी से रिलेटेड, जो आपके ऑल ओवर पूरे चैप्टर में ही लगेंगे, 2 या 3 फॉर्मूले, इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, वही फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन शेयर एंड डिविडेंड के सॉल्व करते चले जाएंगे। आइए फॉर्मूले देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं शेयर एंड डिविडेंड के, ये 3 फॉर्मूले ही आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को लगा देगा। यानी ये 3 फॉर्मूले कौन कौन से, पहले इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मार्केट वैल्यू का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर से कर दो। तो जैसे यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया था, 120 मार्केट वैल्यू, तो 100 शेयर खरीदे कितने हो गए, 12000 रुपए हो गए, वैसे ये फॉर्मूला हो गया। अब आते डिविडेंड, मैंने आपको बताया था डिविडेंड हमेशा क्या होता है, जो प्रॉफिट कंपनी पेड करती है अपने नॉमिनल वैल्यू पे, यानी नॉमिनल वैल्यू पे ही ये हमेशा क्या लगेगा, प्रॉफिट देगी। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू आर अपॉन 100, आर हमारा क्या होगा, रेट हो गया। इसके बाद आते रेट ऑफ रिटर्न, यानी पलट करके कितने में खरीदा किसी कस्टमर ने, उसको पलट करके कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था डिविडेंड, यानी डिविडेंड का मतलब 1000 रुपए, 100 रुपए का एक शेयर था, तो कंपनी ने कहा था कि इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1000 रुपए का अपॉन 12, 12000 रुपए क्यों रखा था हमने, 12000 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में, और 100 इसलिए मल्टीप्लाई करा था क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना था। देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ गया, इसी तरीके से यही है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तरीका है हमारा क्या, जो क्वेश्चन है शेयर एंड डिविडेंड के, उन्हें सॉल्व करने का। तो अभी तक के आपके पास ML अग्रवाल ने 36 क्वेश्चन है, आप उसे लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन को, ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करूंगा, साथ में मैंने क्या करा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी PDF बना करके नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं। तो आइए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको शेयर एंड डिविडेंड समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।